हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आईपीयू लीड का एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा डिस्कशन, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पूरा पैटर्न था इस पूरे पेपर का, ताकि जो भी विद्यार्थी लीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो हर इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर पाए, सभी जो पूरे पैटर्न से कवर कर पाए और आने वाले जितने एग्जामिनेशन उसको टारगेट कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आईपीयू लीड पेपर डिस्कशन की तरफ। और हमारा पहला सवाल है मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स का सवाल है और सभी जो भी विद्यार्थी लीड के लिए प्रिपेयर करता है उसको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है अपना मैकेनिक्स का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर है उससे पूछा गया है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होमोजीनियस बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। जो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो वेट होता है पूरा बॉडी का, जहाँ अज्यूम होता है वो हमें दिखाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरे जो बॉडी का जो वेट होता है वो कहाँ अज्यूम होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेट। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वट डज द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स मेजर, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स मेजर। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैप्टर मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जब फोर्स की ऐसी टेंडेंसी होती है कि बॉडी को रोटेट करे एक पर्टिकुलर एक्सिस में, तो वो मूवमेंट कहलाती है। हम जब मूवमेंट पढ़ते हैं चैप्टर 3 में ऑफ मैकेनिक्स, तो हम मूवमेंट पढ़ते हैं मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब नाउ द बॉडी हैज अ टेंडेंसी रोटेट अलोंग एनी एक्सिस। अब बॉडी की टेंडेंसी है कि वो रोटेट करे किसी एक्सिस के अलोंग, तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी को रोटेट करे किसी एक्सिस के अलोंग। सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स। ये कह रहा है इफ एल इज द लेंथ ऑफ अ स्पैन ऑफ अ लाइट सस्पेंशन ब्रिज हुज ईच केबल कैरीज टोटल वेट ओमेगा एंड सेंट्रल डिप इज वाई, द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट। तो हॉरिजॉन्टल पुल कितना होगा एट ईच सपोर्ट, तो जो हॉरिजॉन्टल पुल होता है एट ईच सपोर्ट वो इसका हम डायरेक्ट निकालते हैं, और इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है जो वेट इंटू में एल अपॉन में 8y। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ रिजिड बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू। ये कैसा कंसिडर किया जाएगा, इसे कंसिडर करते हैं ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो भी फोर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ सरफेस किसी रिजिड बॉडी पे, उसको कंसिडर करते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे। हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में ये कहा जाता है कि अगर मेरे पास क्या है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, ये मेरा सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर रहे हैं हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स लगे हैं, तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे एफ वन, एक फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे एफ टू, सो ये जो फोर्स है अगर क्या है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, क्या है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो हम पढ़ते हैं कि अगर फोर्सेस हैं उसको सेम वो किसी ब्लॉक पे लग रहे हैं अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो जो इफेक्ट होता है उस फोर्सेस का वो सेम होता है ऑन ईच ब्लॉक। सो इसलिए जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सरफेस ऑन ए रिजिड बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू ऑन एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे भी ले सकते हैं अगर, लेकिन वो उस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट फॉर अ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। जो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है, जो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब बोथ फोर्स पॉलीगन एंड फ्यूनिकुलर पॉलीगन मस्ट क्लोज। जब ये हमारे पास कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हम कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम पढ़ते हैं, हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम है पढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ते हैं, दैट व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर रिलेटिंग विद मैकेनिक्स टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जो यूनिट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है वो होता है मीटर की पावर 4, दैट इज एम रेज टू द पावर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है और इस पेपर और ऐसे क्वेश्चन को क्लास में सबसे पहले करा जाता है ताकि सभी विद्यार्थी को ये पता हो कि किसी भी टॉपिक की क्या यूनिट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था मूवमेंट, तो मूवमेंट की यूनिट पूछते हैं पेपर में, दैट इज न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से अपना क्वेश्चन है. बहुत बेहतरीन. जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर अबाउट इट्स सेंट्री अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वेट्स. मेरा जो मूवमेंट होगा किसका, रेक्टेंगल का, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, ये कितना होगा. तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका कैलकुलेट बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के आता है, दैट इज 1/4. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज जो भी मेरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा सेंट्रोइडल एक्सिस से और अगर बेस से, तो जो मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो आएगा मेरा 1/4. नाउ द डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन देयर प्लेन इज कॉल्ड. एक ऐसा डायग्राम जो क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन देयर प्लेन, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर डायग्राम, स्पेस डायग्राम, फोर्स डायग्राम और फंक्शनल डायग्राम. तो इसका वेक्टर डायग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि वेक्टर डायग्राम में क्या करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पेस रिप्रेजेंटेशन. क्या होगा, स्पेस रिप्रेजेंटेशन, स्पेस डायग्राम. स्पेस डायग्राम में क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें वो शो करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, जिसमें क्या होता है हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपना स्पेस डायग्राम में. तो यहां से जो ऑप्शन निकल के आता है वो आता है ऑप्शन बी, दैट इज स्पेस डायग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एट अ गिवन इंस्टेंट शिप ए इज ट्रेवलिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर. ए जो है वो मेरा मूव कर रहा है किसकी वजह, किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में. एंड बी इज ट्रेवलिंग 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. मतलब जो मेरा ए है, ठीक है, वो कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन. एंड बी इज ट्रेवलिंग टू 8 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ. The velocity of B relative to A. तो velocity of B क्या होगी, A के respect में. हमारा जो B है वो move कर रहा है 8 km/h की speed से. तो हमारी जो relative velocity निकलेगी, तो velocity of B relative to A, मतलब A के respect में मुझे क्या निकालना है, B की velocity निकालनी है. तो इसकी जो velocity निकलती है हमारे end से, ठीक है, वो हमारी निकलती है 10 km/h. क्या निकलती है, 10 km/h. इसे कैसे कहते हैं कि ये मेरी ए की वेलोसिटी है और ये मेरी बी की वेलोसिटी है. तो हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी मेज़र करनी है. तो इसको मेज़र करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज कंसीडर्ड एज 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, दैट इज 10 km/h. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जीसीसी के न्यू बैच ओपन हो गए हैं. तो अगर कोई भी विद्यार्थी लीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए अगर वो एक बैच में प्रिपेयर करता है तो उसका जो रिजल्ट लाने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. तो जो भी विद्यार्थी लीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो ज़रूर से एक बार सेंटर विजिट करे. आदर्श नगर में सेंटर है, उसको ज़रूर विजिट करे. 2 अक्टूबर से अपना एक सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है. तो जो भी विद्यार्थी रीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर से सेंटर पे आए, एक बार डिस्कस करें सर से कि कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, रीड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डबल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन है और सिंपल पेंडुलम से पेपर में क्वेश्चन आते हैं. तो ये पूछ रहा है कि अगर हमें क्या करना है, जो ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का, जो ऑसिलेशन उसके पीरियड को डबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. तो हमें उसके जो लेंथ है उसे क्वाड्रपल करना पड़ेगा. बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो ऑसिलेशन होती है वो डायरेक्टली उसको हम डबल कर सकते हैं जब हम उसकी लेंथ को वेरी करें. बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ रिजिड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स. कह रहा है कि कोई रिजिड बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा इफ द एप्लीकेशन, जब किसी फोर्स का जो एप्लीकेशन है टेंड्स टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है वो आता है कि टेंड्स टू
लोअर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन आया है। द सेंटर ऑफ द सीजी ऑफ अ शेडेड एरिया ऑफ द बिलो फिगर हुज कर्व ओ एम इज अ पैराबोला, जिसका जो जो किससे रिप्रेजेंट किया गया है कर्व ओ एम एज अ पैराबोला फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ जो सीजी आता है इस, ये कह रहा है कि जो मेरा शेडेड रीजन है इसका क्या निकालना है मेरे को, सीजी निकालना है, दैट इज सीजी ऑफ शेडेड एरिया। तो जो मेरा शेडेड एरिया होता है उसका जो सीजी निकल के आता है वो मेरा निकल के आता है 3a/4। सो अकॉर्डिंग टू दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही इजी सवाल आते हैं जो हम पेपर में डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाई अलोंग दी अलोंग इट्स सेंट्रल एक्सिस एट अ डिस्टेंस। क्या रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो कितने रेडियस के अलोंग दिखता है, तो वो दिखता है बच्चों 0.6 r के अलोंग। वो कहाँ दिखता है, 0.6 r के अलोंग। बहुत बढ़िया। नाउ अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस। हमें रेडियस दी हुई है दैट इज 100 meters और हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है दैट इज 36 km/h। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है, यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, और जो डायरेक्ट एंगुलर स्पीड निकल के आ रही है दैट इज 0.1 rads/s। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो निकल के आएगा एंगुलर स्पीड वो मेरा निकल के आएगा 0.1 rads/s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कह रहा है कि वेर अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर गोज टू इनफिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क इमेजिन टू बी डन। मतलब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है तो जो वर्क होगा वो क्या होगा। तो जो वर्क होगा उस समय जो वर्क माना जाता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क। जैसे कभी बॉडी, जो भी बॉडी है वो इनफाइनेटली स्मॉल छोटे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है तो उस समय जो वर्क कहलाते हैं उसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट वर्क, इसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मैक्सिमम पुल इन अ केबल कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सपोर्टेड एट टू एंड्स विच आर एट स्मॉल लेवल इज एट, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं द मैक्सिमम पुल इन अ केबल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सपोर्टेड एट टू एंड्स, दो एंड से जो सपोर्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं और किस टू एंड्स विच आर एट द स्मॉलेस्ट स्मॉल लेवल इज एट, उसे हम कहते हैं सपोर्ट्स। क्या कहते हैं, सपोर्ट्स। सो अगर मैं ऑप्शंस को देखूंगा तो जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्सेस है द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, अ सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो क्लोज्ड पॉलीगन है, हमारा जो क्लोज्ड पॉलीगन है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। हम जो लॉ ऑफ फोर्सेस है उसमें पढ़ते भी हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सच अ मैनर ऑफ अ पॉलीगन, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो जो द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम इसे हम कहते हैं क्लोज्ड पॉलीगन। जो क्लोज्ड पॉलीगन होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, मूवमेंट में मूवमेंट हमें इसको पढ़ाते हैं और इसका जो रिएक्शन है उसे कैलकुलेट करना होता है। द बीम शोन बिलो फिगर इज सपोर्टेड बाय हिंज जॉइंट, कैसा जॉइंट है मेरे पास, ठीक है, हिंज जॉइंट से क्या है, सपोर्टेड है एट ए पॉइंट एंड अ रोलर एट बी, और एक रोलर है मेरे पास एट बी। यहाँ पे क्या है मेरे पास, हिंज जॉइंट, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रोलर है। द रिएक्शन आर ए एट अ हिंज सपोर्ट ऑफ द बीम इज, तो यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन आएगा दैट इज आर ए, ठीक है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इजिली तो ये जो मेरा आता है, ठीक है, जो रिएक्शन आता है आर ए दैट इज 10.2 tons। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इम्पल्स कैन बी ऑप्टेन, ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स कैन बी ऑप्टेन
हम क्या करते हैं, ग्राफ्स पढ़ते हैं। तो हम ग्राफ्स में हम कैसे इम्पल्स निकालते हो, तो जो इम्पल्स को निकालने का जो ग्राफ होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। हमने पढ़ा होगा कि इम्पल्सिव, हम पढ़ते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन, दैट व्हाट इज इम्पल्सिव रिएक्शन। जो इम्पल्सिव रिएक्शन होती है कि हम जो फोर्स लगाते हैं बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसे कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो जो इम्पल्स का जो कैलकुलेशन होता है, जो इम्पल्स कैन बी ऑब्टेन, उसको मैं ऑब्टेन करता हूँ, इम्पल्स को मैं ऑब्टेन करता हूँ किससे, फोर्स टाइम ग्राफ से। जो मेरा फोर्स टाइम ग्राफ होता है उससे क्या करता हूँ मैं, किसी भी इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा इम्पल्स होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि कितने समय, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए जो मेरा फोर्स लगता है वो कहलाता है आपका इम्पल्स। नाउ सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ मेंबर लाइज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ मेंबर सच दैट द लाइन्स आर इंक्लाइंड टू अ डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द एंड्स एट, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ मेंबर लाइज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ टू मेंबर सच दैट द लाइन्स आर इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो लाइन्स है वो किस तरह, कहाँ इंक्लाइंड है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कहाँ पे खत्म हो रही है, ऑफ द मोशन एंड सेट, तो वो 90 डिग्री पे एंड होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे एंड होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो डी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बेहतरीन। अब एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लीड के क्या है, हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज हैं, तो कोई भी बच्चा जो प्रिपेयर करना चाहता है लीड के लिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज देख सकता है। लाइव बैचेज रहते हैं, तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्रिपेयर करता है तो वो लाइव पढ़ सकता है सभी जो एजुकेटर्स हैं उनसे। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है द वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट द फ्री एंड ऑफ अ लाइट मेंबर हिंज एट अ वर्टिकल वॉल। एक मेरा वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल से क्या है मेरे पास, क्या है, एक डब्ल्यू है जो है सस्पेंडेड फ्रीली, जो लटका हुआ है। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ मेंबर विद द अपर वॉल इज थीटा द फोर्स इंट्रोड्यूस इन द मेंबर, ठीक है। तो अगर जो मेरा है, ठीक है, वो कितने से रिप्रेजेंटेड कर रहा है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो फोर्स है इंट्रोड्यूस करेगा सेक्शन में, ये मेरा वॉल है, ऐसे मेरा कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो फोर्स है जो इंट्रोड्यूस करेगा, जो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा वो होगा डब्ल्यू सेक थीटा, डब्ल्यू सेक थीटा से रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन आया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से रिलेट करना है कि सिंपल हार्मोनिक होता क्या है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो हमेशा स्टेबल होगी, स्टेबल होगी, इसलिए उसको मैं इक्विलिब्रियम कहता हूँ। इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो हमेशा क्या होगी, स्टेबल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं टू पार्टिकल्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं लीट एग्जामिनेशन में, हर लीट एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक अच्छा टॉपिक है, आप सबको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट टू पार्टिकल्स हैव बीन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 64 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितने कितने डिग्री पे हैं, दैट इज 64 डिग्री पे हैं एंड 45 डिग्री पे हैं टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट इज, फर्स्ट की वेलोसिटी दे रखी है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर फॉर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंजेस, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी की रेंजेस निकालनी है, बहुत ही ईजी होता है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, प्रोजेक्टर मोशन का यूज़ करके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.3 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो मेरा जो सैटेलाइट मूव करता है अपने ऑर्बिट में, वो किस फोर्स की वजह से मूव करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि जो मेरा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बच्चे इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो जो मेरा सैटेलाइट मूव करता है ना अपने ऑर्बिट में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करता है। जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ता हूँ तो मैं दो तरह के फोर्स पढ़ता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग फोर्स होती है, लेकिन जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, जब सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, तो सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन को फॉलो करती है अगर वो इन दो फोर्सेस को फॉलो करती है, मतलब इन दोनों फोर्सेस को अगर
ऑबेक करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तब भी बॉडी क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो वैसी चीज हमें देखने को मिलती है कि जो सैटेलाइट होती है मूव करती है ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, वो किसकी वजह से करती है, वो मूव करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ स्टोन इज virulent in a vertical circuit, the tension of in the strong is maximum। ठीक है, एक strong को मैंने बांधा है, ठीक है, vertical circle में, तो tension जो होगा strong में वो maximum कब होगा, जो tension होगा वो maximum कब होगा, जब जो stone होगा वो कहाँ होगा, at the lowest position। जब जो मेरा stone होगा वो lowest position पे होगा, तब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो tension है वो क्या होगा, maximum होगा जब मेरा स्टोन एट दी लोएस्ट पोजीशन पे होगा। जब वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा तभी क्या, तभी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा टेंशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे मैकेनिक्स के 25 सवाल। तो हमने इस पूरे मैकेनिक्स में देखा कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें लॉ ऑफ फोर्सेस से क्वेश्चन थे, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन से पूछे गए हैं, यूनिट्स से पूछे गए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या यूनिट्स होता है, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है लीड के एग्जामिनेशन के लिए तो मैकेनिक्स के इन इन टॉपिक्स को देख सकता है। स्पेशल मशीन से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस पेपर में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन स्पेशल मशीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने क्वेश्चन देखा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है मैथमेटिक्स। इफ अ कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो कम्प्लेक्स नंबर का है, और हम बात करेंगे किसकी, मैथमेटिक्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स भी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, अगर कोई किसी बच्चे की इनडेप्थ नॉलेज है, मतलब जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, तो वो इस मैथमेटिक्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस में आयोटा इंटू में वाई, सेटिस्फाई द कंडीशन जेड प्लस में वन इज इक्वल टू वन, लाइज जेड लाइज ऑन। तो जो मेरा जेड है वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है, हमारे जो जेड है वो कहाँ लाई करेगा। अब मुझे पता है कि मॉड जेड इज इक्वल टू वन होता है, तो मेरा जो सर्कल होता है वो क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, वन होता है, और इसका जो पॉइंट होता है वो होता है जीरो जीरो। लेकिन अब क्या है, जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस में वन, मॉड जेड प्लस में वन इज इक्वल टू वन, इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा सर्कल होगा वो सेंटर पे होगा माइनस वन कॉमा जीरो, और रेडियस जो होगा वो क्या होगा, वन होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है मॉड जेड इक्वल टू वन, तो मेरा सर्कल में क्या रेडियस होगा, मॉड जेड प्लस में वन इक्वल टू वन, तो मेरा सेंटर क्या रेडियस होगा और क्या मेरा उसका सेंटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपना, ठीक है, सीरीज एंड सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज सम ऑफ सीरीज, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं, दैट इज हमारे पास क्या है, सीरीज एंड सीक्वेंस से क्वेश्चन है, दैट इज समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू एन से लेके आर अपॉन में आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है, ठीक है, वो होता है वन माइनस में वन अपॉन में एन प्लस में वन फैक्टोरियल, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये कह रहा है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है, ये कह रहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस देन फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिस थ्रो वन बाय टू, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, क्या हमसे पूछी गई है इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो आएगा अपना 2x प्लस में y इक्वल टू में 4, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दीज आर ये हमारे क्या है, लीड के रैंकर्स हैं, ठीक है, लीड के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो है, और उसके साथ साथ अपना क्या है, जो भी लीड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहता है तो वो भी लाइव कोचिंग में इनरोल करके अपने लीड के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकता है और एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का, ठीक है, वो पूछा जाता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वन, जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, एंड k इज इक्वल टू एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है,
तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। तब हम कहेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्या होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस तब कहलाएगा, ठीक है, जब वो थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा। मतलब उस पूरे फंक्शन को बनाने में मेरा जो पॉइंट है वो कहीं भी उठेगा नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो होगा जब कोई भी फंक्शन क्या होगा किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, हो जाता है, तो उसे कहता हूँ मैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है मेरा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो मेरा आंसर आता है कि जो एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा कब, जब के की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। नाउ अगेन ए पी जी पी और एच पी से हम बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ए पी से सवाल है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है ए पी का वो ए है, जो सेकेंड टर्म है वो बी है, और जो लास्ट टर्म है वो है सी है, ठीक है। तो सम क्या होगा उस ए पी का, ठीक है। तो उस सम का जो ए पी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो उस सम का जो इस सीक्वेंस में जो सम ऑफ ए पी होगा दैट इज बी प्लस में सी माइनस में 2a ओवर में सी प्लस में ए ओवर में 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस में। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो सम ऑफ ए पी के फॉर्मूले से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ एक्स ऑफ एन माइनस में 1 इज डिविजिबल बाय एक्स बाय के, अगर मेरा एक्स एन माइनस 1 क्या है, डिविजिबल है किससे, एक्स माइनस के से, तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ के मिलेंगे तो वो मुझे कितने मिलेंगे, लीस्ट पॉजिटिव ऑफ इंटीजर, तो लीस्ट मुझे कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ के होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 एन, जब एक्स बड़ा है तो क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, द वैल्यू सो दैट एफ इज कंटिन्यूस, एक्स एफ की ऐसी क्या वैल्यू हो, एफ की ऐसी क्या वैल्यू हो कि क्या हो जाए, वो कंटिन्यूस हो जाए। तो जब मैं कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एफ की, दैट इज 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डोमेन एंड रेंज से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक, मैंने देखा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से सवाल मिलने देखे मैंने अभी तक, ए पी जी पी सीक्वेंस सवाल देखे। नाउ रेंज भी पूछता है, ठीक है, कि रेंज ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, ऐसे क्या होता है, इसी का सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन ए इज लेस देन 0, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो इसमें जो इसका जो डोमेन होगा ना वो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज माइनस ए कॉमा में ए, आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में ए कॉमा में ए, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लिमिट से, क्या किससे आ गया, लिमिट से, तो लिमिट्स भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, लिमिट्स डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, इससे बहुत सवाल देखने को मिले हैं आपको, तो इस इन सब के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ये कह रहे हैं लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस 7, जब मैं ये जो एक्स है वो कहाँ पर रीच करेगा, इन्फिनिटी पर रीच करेगा, तो मेरी क्या वैल्यू आएगी इस पूरे फंक्शन की, तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। नाउ द इक्वेशन, अब मेरे पास इक्वेशन है, द इक्वेशन जेड मॉड जेड प्लस वन माइनस में आयोटा इज इक्वल टू में जेड माइनस वन प्लस में आयोटा, ठीक है। तो इसको इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड प्लस में 1 माइनस में आयोटा इज इक्वल टू में जेड माइनस में 1 प्लस में आयोटा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंड बाय 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम, ठीक है। कह रहा है कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट जिसको मैं भेज सकता हूँ बाय 6 फ्लैग्स, ठीक है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, 6 फ्लैग्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ये सारे के जो हैं ये किसके हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, ये जितने फ्लैग्स हैं किसके हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं,
कह रहा है टेकिंग वन और मोर एट अ टाइम, एक बार में एक फ्लैग भी ले सकता हूँ या एक से ज़्यादा ले सकता हूँ, तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स में क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कितने सिग्नल्स क्या कर सकता हूँ क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमने जो कैलकुलेट करा है इसको हम इसको मैं 1956 सिग्नल्स कैन बी क्रिएटेड, इतने सिग्नल्स क्या कर सकते हूँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं 6 फ्लैग्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन, ठीक है। मेरे को एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एक्स प्लस में वाई माइनस में 11, और मुझे क्या दे रखा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है, दैट इज 2, 3। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करोगे तो जो आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे, ठीक है, वो आएगा आपका 5, 6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पूछी जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें अगर आप लीड के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कह रहा है द वैल्यू पाई कॉस पाई बाय 5, कॉस 2/5, कॉस 4π/5, कॉस 8π/5, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका -1/60। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एक्सपेंशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इस एक्सपेंशन के, ठीक है। तो ये मैं बाइनोमियल थ्योरम, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उससे सॉल्व करूँगा, ठीक है, जो मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उससे मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन होगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो 26 एक्सपेंशन हमारे आ रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन जो होंगे वो 26 होंगे। नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मेरे पास 3 सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होंगे, ठीक है। तो जब मैं इन चैप्टर को पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या होते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जब मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ता हूँ ना तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, इन सब की स्टडी करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, लैम्डा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू जीरो, माइनस में एक्स प्लस में लैम्डा वाई प्लस में जेड इक्वल टू जीरो, माइनस में एक्स माइनस में वाई प्लस में लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। तो उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब इफ द रियल वैल्यू, जब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, जीरो के। नाउ फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन पाई बाय 5 प्लस में आयोटा कॉस 1 माइनस में कॉस पाई बाय 5, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, वो निकलती है पाई बाय 10। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे साइन पाई बाय 5 प्लस में आयोटा 1 माइनस में कॉस पाई बाय 5, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 10। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ एक्स प्लस में 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, देन हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में कह सकता हूँ कि जो एक्स होगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 30 क्लोज लूप, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नाउ फिर से सीक्वेंस का सवाल आया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लीट एग्जामिनेशन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स तो इसको अच्छे से देखिएगा। सम ऑफ एन सीरीज ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है मेरे पास 1/2, 3/4, 7/8, 15/6, इसका सम क्या होगा। तो इसका जो सम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सम आएगा दैट इज एन माइनस में 1 प्लस में 1/2 की पावर में n। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो GCC के सेकेंड बैच ओपन हो गया है, तो ओपन करने अगर आप भी लीड की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप एक बार सेंटर जरूर विजिट कीजिएगा। जो हमारा सेंटर है वो आदर्श नगर के मेट्रो स्टेशन पे है। सेकेंड बैच हमारा 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है
तो आप आ सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के लिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड के लिए आप एक बार विजिट कर सकते हैं सेंटर पे। लीड के अगर लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे लीड होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी लीड को टारगेट कर सकते हैं। इतने सारे लीड के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, हरियाणा लीड, DTU लीड, IPU लीड, PU लीड, स्लाइट लीड और अन्य तरह के लीड होते हैं जिनके लिए आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब क्या दे रखा है, मेरे को पॉइंट दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत पूछा जाने सवाल है, ठीक है। मेरे को पॉइंट दे रखा है दैट इज़ 4, -13, ठीक है, अबाउट अ लाइन, और मेरे को लाइन दे रखी है दैट इज़ 5x + y + 6 = 0, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, तो जो इसका रिफ्लेक्शन बनता है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनता है, इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनता है वो मेरा बनता है -1, -40। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 5 men and 7 men and 5 women। किस कितने तरह, इन हाउ मैनी वेज अ कमिटी चूजिंग 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 3 men, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 350। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया, टेन थीटा इज इक्वल टू 20, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोबारा से आपको सम और सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला। द सम ऑफ फर्स्ट 2 n terms ऑफ AP, ठीक है, मेरे को AP दे रखा है 2, 5, 8 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, वो किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP और उसका टर्म दे रखा है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेट कर सकते हैं सम ऑफ सीरीज का रिलेशन यूज़ करके, आप सम ऑफ सीरीज का यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 10^(n+3)(n+2)(n) डिविजिबल बाय k, वो 9 से डिविजिबल है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ये पूछ रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो ये जो आपकी सॉल्व होके आएगी वो आएगी 5, ठीक है, 5 इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का अल्फा प्लस बीटा दिया रखा है π/4, ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1+tan α, ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1+tan α/1+tan β, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द थर्ड, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट लेट f बी आर इंक्रीजिंग फंक्शन, मेरे पास f क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इन अ क्लोज इंटरवल ऑफ a, b एंड g इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और g क्या है, मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम a, b to a, d, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा FOG इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जो FOG होगा वो क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, ठीक है, अब ये जो हमारी मैथमेटिक्स थी वो खत्म हो गई, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मैंने क्या देखा, मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो क्या देखे मैंने, ठीक है, कंटिन्यूटी देखा एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा AP GP HP से क्वेश्चन थे, सीरीज एंड सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस से क्वेश्चन थे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन थे, तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हो तो आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ द प्रीफिक्स दैट स्टैंड फॉर बिलनंथ, ठीक है, जो एक ऐसा प्रीफिक्स जो जो स्टैंड करता है बिलनंथ के लिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नैनो, ठीक है, उसे कहते हैं नैनो, ठीक है, जो प्रीफिक्स होता है उसके लिए होता है वो होता है नैनो, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ड्राइव राइट वेब पेजेस, वेब पेजेस को राइट करने के लिए कौन इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो HTML होता है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वेब पेज पर लिखने के लिए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अभी करंट रोल में है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, सो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, तो जॉन मैककैर्थी को हम क्या कहते थे, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन एक्सेल यू कैन कॉपी ऑल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाई यूजिंग। ठीक है, जो एक्सेल शीट होती है उसमें क्या होता है कि हम कॉपी कर सकते हैं सेल फॉर्मेट्स को एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, तो हम इसको कैसा किससे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बाय फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब बाइट कैन होल्ड, जो बाइट होता है वो कितना होल्ड वन डैश ऑफ डेटा। ठीक है, कितना कितने को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो एक बाइट जो होता है वो क्या करता है, वन करेक्टर ऑफ डेटा को होल्ड कर लेता है। जो एक बाइट है वो वन करेक्टर ऑफ डेटा को ईजिली होल्ड कर लेता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच इज द करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। ठीक है, वट इज़ द करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कॉल्ड। ठीक है, जो कनेक्टिंग एरर होता है प्रोग्राम में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिंग एरर होता है प्रोग्राम में सभी को पता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीबगिंग। उसे कहते हैं डीबगिंग। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अलर्ट्स आर मोस्टली अपीयर, जो अलर्ट्स होते हैं वो कहाँ अपीयर होते हैं। जो अलर्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा कि आपके पास जो भी अलर्ट होते हैं वह कहाँ अपीयर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अलर्ट हैं वो अपीयर होते हैं आपके डायलॉग बॉक्स में। कहाँ अपीयर होते हैं, डायलॉग बॉक्स में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकेट ट्रांसमिशन, हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसमिशन जो होती है वो क्या होती है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। ठीक है, तो जो पैकेट ट्रांसमिशन होती है वो किस में देखी जाती है, तो नेटवर्क लेयर एक ऐसा लेयर है जिसमें क्या होती है, पैकेट ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, नेटवर्क लेयर से। किससे रिलेटेड है, नेटवर्क लेयर से। द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर, जो सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर था, ठीक है, वो था माइक्रो कंप्यूटर। वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये बेसिक से सवाल है, ठीक है, जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ पावरफुल, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कैसे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। नाउ EPROM कंसिस्ट ऑफ, जो EPROM होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, ईजिली इरेजिबल होता है, मॉसफेट्स होता है या डायोड्स होता है। ठीक है, तो जो EPROM होता है उसमें क्या होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमॉन्ग देम इज नॉट एन इंटरनेटवर्क, इनमें से कौन सा इंटरनेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो वैन मैन एक इंटरनेटवर्क है, लेकिन लैन क्या है, एक इंटरनेट नेटवर्क नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लीड बैचेज आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, सो यू गाइज कैन विजिट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लीड एग्जामिनेशन। आप जरूर एक बार सेंटर में विजिट करें। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं सेंटर पे। नाउ अ टपल इज़ अ, जो टपल होता है वो क्या होता है। सो अ टपल, जो भी मेरा टपल होता है वो क्या होता है, टपल जो भी मेरा होता है वो होता है रो ऑफ टेबल्स। क्या होता है बच्चों, रो ऑफ टेबल्स। तो रो ऑफ टेबल को कहता हूँ मैं, टपल कहता हूँ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अ CPU एंड अ मेमोरी आर लोकेटेड, जो मेरा CPU होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन है कि जो CPU और जो मेमोरी होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो आपने सुना होगा एक मदरबोर्ड नाम की चीज़ होती है, एक मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में क्या होता है आपका, आप CPU प्लस में जो आपकी मेमोरी होती है उसको क्या करते हो, लोकेट करते हो। CPU एक छोटी चिप होती है, ठीक है, जो उसको हम लोकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका ना मदरबोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वट टेक्नोलॉजी ऑफ अ मेमोरी इज कैच रैम ऑफ और इज कैच रैम यूजली, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो SRAM टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, SRAM टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं। कंप्यूटर रीड विच टाइप ऑफ कोड, जो कंप्यूटर होते हैं वो किस तरह कोड को रीड करते हैं। आप सबको पता होगा कि जो आपका जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 10 समझते हैं। ठीक है, तो वो जो 10 होता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, तो जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं वो किसको समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड को समझते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेफर यूज द मर्करी सेल्स टू अटैच, किन इनमें से किस कौन सा वेफर यूज करते हैं? ठीक है, यूज द मर्करी सेल्स टू अटैच, इसको अटैच करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं सिलिकन वेफर, सिलिकन वेफर हमको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो कंटेंट होता है ना, वो किस में स्टोर किया जाता है? ठीक है, तो उसको हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और कौन से रजिस्टर में स्टोर करते हैं? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। किस रजिस्टर में? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल, अगर आप कोई भी फाइल को ओपन कर रहे हो या किसी फाइल को क्लोज कर रहे हो, यू कैन यूज़ विच बार, आपको आपको कौन सा बार यूज़ करना पड़ता है? तो एक टाइटल बार आपने देखा होगा कि जो एक्सेल शीट होती है उसके बिल्कुल ऊपर में क्या होता है? टाइटल बार होता है। ठीक है, तो टाइटल बार होता है जिसका आप यूज़ करते हो किसी फाइल को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। विच टाइप ऑफ पोर्ट सेंड्स डेटा वन बिट एट अ टाइम, ठीक है, तो हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन के वे होते हैं, सीरियल, पैरेलल, यूएसबी, फायर वायर। ठीक है, जो सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं ना बच्चों, ठीक है, जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है? एक बिट ट्रांसफर करता है हमेशा, एक बिट को सेंड करता है हर बार एक टाइम पे। ठीक है, इसे कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर कैरेक्टराइज बाई, जो भी मेरे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसे हम कहते हैं थर्मोनिक वैल्यूज, से कहते हैं हम थर्मोनिक वैल्यूज। ठीक है, तो जो मेरे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोनिक वैल्यूज। नाउ बिंग इज, जो बिंग होगा आप बहुत बच्चों ने सुना होगा कि जो बिंग है वो क्या है? ठीक है, तो जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे बिंग भी क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है जिसमें क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ों का करते हो, सर्च करते हो। ठीक है, तो बिंग भी है वो क्या है? एक सर्च इंजन है। नाउ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर टू HTML एंड विच रन्स ओनली ऑन अ ब्राउजर, एक ऐसा लैंग्वेज जो सिमिलर HTML के और जो रन करता है सिर्फ ब्राउजर पे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा जावास्क्रिप्ट। क्या कहते हैं उसको? जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कनेक्ट्स आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स, ठीक है, क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? डोमेन नेम्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन से टाइप का सर्वर होता है? तो DNS टाइप का सर्वर होता है। ठीक है, DNS टाइप का सर्वर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो लेजर प्रिंटर है ना, ठीक है, एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें क्या करते हैं हम किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इम्पैक्ट। द मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब यहाँ से अपना ख़त्म हो गया है कंप्यूटर का पार्ट, अब अपना रीजनिंग का पार्ट आ गया है। क्या आ गया? रीजनिंग का पार्ट। तो मेरे को एक सीरीज़ दे रखी है ABEDC, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दो दे रखा है, यहाँ पे तीन लेटर है, यहाँ चार लेटर है, और यहाँ पे कितने लेटर है? छः लेटर है। तो यहाँ तो क्या आएंगे? पाँच लेटर आएंगे। तो पाँच लेटर किस किस में है? इन तीनों में पाँच लेटर है, मतलब ये तो होने से रहा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, दैट इज़ AB, ठीक है, EDC, FGHI, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ठीक है, आप अगर इसको आराम से जब रिलेट करोगे, ठीक है, तो एक की पोजीशन कितनी है? वन। एक की पोजीशन कितनी है? ठीक है, फाइव। एफ की पोजीशन कितनी है? सिक्स। तो ऐसे ही जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, वो अपने, और ओ की पोजीशन कितनी है? 15। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो अपना जो आंसर आएगा, ठीक है, वो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्या रहा? इफ लंडन इज कोडेड एज QNLBQ, देन हाउ विल डेंसिल कोडेड, ठीक है, तो डेंसिल को मैं से कैसे कोडेड किया जाऊँगा? ठीक है, तो आपको पहचानना है कि इसने कैसे कोडिंग करी है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, तो जब आप कोड करोगे डेंसिल को तो आपका ये निकल के आएगा। दीज आर आवर रैंकर्स, ठीक है, जिन्होंने अभी से लेके 2011 से लेके 2011 में अभी तक जो रैंकर हैं, टॉप रैंकर आए हुए हैं, उनकी फोटो। नाउ लुक एट द सीरीज, आपके पास एक सीरीज है 121, 225, 361, ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट कोड आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है,
उसे कैलकुलेट करके आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर आ रहा है इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा दैट इज़ 529। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन, इस फिगर को बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन चाहिए होंगे, कितने स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, इस फिगर को बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन को की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस फिगर को बनाने के लिए 17 स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। आप देखोगे कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप एसेस को कैलकुलेट करिए। नाउ व्हाट वाज द डे, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 2020 को जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इस दिन पड़ेगा सैटरडे, इसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इस दिन क्या पड़ रहा है आपका, शनिवार पड़ रहा है। लुक एट द सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी, ठीक है, कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो इसमें आपको इन दोनों को चेक करना होता है, इन दोनों को चेक करना होता है, इन दोनों को चेक करना होता है और इसके एक रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, जो 83 के बाद आएगा दैट इज़ 170। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। ये मेरी क्लॉक है तो कितने बार एक दिन में ऐसे राइट एंगल बनाएगा, ठीक है, कितनी बार मेरी जो घड़ी है वो क्या करेगी, राइट एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप चेक करोगे तो 44 टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है, कि वो राइट एंगल्स बनाती है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा कि 3 बजे और 9 बजे तो बनाती भी है, लेकिन एट डिफरेंट ओरिएंटेशन वो 90 डिग्री फॉर्म करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द सीरीज, आपके पास एक सीरीज है 8, 2, 6, 6, 2, 9, 9, 2, 23, 23 और 87। नाउ इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, इसमें क्या होता है, आपको हर वर्ड के बीच एक रिलेशन बिठाना पड़ता है और उसके बेस पे क्या करना पड़ता है, आपका एक आंसर आता है, ठीक है। सो 429 इज द करेक्ट आंसर, इसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 429। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप, इसमें से कौन सा क्या है जो है क्या है अलग है इन सभी ग्रुप में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 248, 326 और 4, ये सारे क्या है, डिविजिबल है 2 से, लेकिन यही एक नंबर है जो क्या है, डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक है। तो 329 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कैलेंडर के बेस पे क्वेश्चन है, ये कहता है कि अगर मैं मानता हूँ कि January 1, 2021 को क्या है, फ्राइडे है, क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, तो December 31, 2021 को क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस दिन कैलकुलेट करना है, आपको चेक करना है कि इस दिन फ्राइडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर ये फ्राइडे नहीं पड़ रहा तो क्या पड़ रहा है, अगर मान लो इस दिन थर्सडे पड़ रहा है तो थर्सडे के बाद आपको एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करो, इस दिन जो भी डे पड़ रहा है उसमें उसको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे हम इन सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस दिन अपना जो पड़ेगा, ठीक है, वो पड़ेगा फ्राइडे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक कोड है मेरे पास, इन अ कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज 50, ठीक है। मैंने मैंगो को रिटर्न कर रखा है कैसे, 50 में। अब इसको कैसे करते हैं, इन सब का नंबर लिख लो, ये 13, ये 1, ये 14, ये 7, ये 50, ठीक है। तो बेसिकली इन सब नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा 50 मिलेगा, ठीक है, या फिर कुछ वैल्यू मिल सकती है आपको, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेमन को लिखा है आपने 59, ठीक है, सो 12, 5, 13, 15, 40, तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नंबर आएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज 59। आपको आपको करना है कि कोविड को किस वर्ड से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो कोविड को जो रिप्रेजेंटेशन होगी वह दैट इज 53 होगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ एट वट टाइम्स बिटवीन 9 and 10 विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक बी स्ट्रेट लाइन बट नॉट टूगेदर, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म करेगी, लेकिन मानो ये क्या है, मिनट हैंड है, ये क्या है, आवर हैंड है आपकी घड़ी की,
तो कितनी बार ऐसा होगा, एक घंटे में जब ये क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी लेकिन कॉन्साइड नहीं करेगी, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, दैट इज 16:04/12 मिनट्स पास्ट 9। लुक एट द सीरीज, दोबारा से सीरीज एंड सीक्वेंस सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी के बीच में क्या करना है, एक रिलेशन फॉर्म करना है, और रिलेशन फॉर्म करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 108। नाउ लुक एट द सीरीज 06-24-60, ठीक है, 06-24-60। नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा दैट इज 120। इन सभी के बीच में मैंने एक रिलेशन फॉर्म किया, रिलेशन से मुझे क्या पता चला, ठीक है, दैट इज 6, ठीक है, एक रिलेशन बैठाया मैंने और फिर इसको मैंने कैलकुलेट करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन, किससे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी अच्छे सवाल पूछते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, भाई है बी का, बी क्या है, सिस्टर है सी की, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी क्या है, फादर ऑफ डी, ठीक है। तो डी कैसे रिलेट होगा ए से, ठीक है। तो जो डी है, ठीक है, उसका क्या रिलेशन होगा किससे, ए से। अब आपको पता है कि इसका जो साइन है, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है। जब साइन जो है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि मैं इसका डिटरमाइन नहीं कर सकता रिलेशन, ठीक है। व्हाट शुड कम नेक्स्ट, ठीक है, दोबारा सीक्वेंस ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये 17 Q17, ये 11, और जो F होता है वो 6 पे होता है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो आपकी जो सीरीज आएगी, ठीक है, वो आएगी W20 and C। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लुक एट द सीरीज, ठीक है, 3, 12, 27, 48, 75, ठीक है। इन सभी के बीच क्या होगा, एक रिलेशन फॉर्म होगा, ठीक है। इस रिलेशन को फॉर्म करना है आपको, चेक करना है कि कैसा रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा दैट इज 108, 108 आपका सही आंसर होगा। नाउ इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक रो ऑफ गर्ल्स है, राम्या इज द सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट का, कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स राम्या इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रिया, ठीक है। जो राम्या है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, एट द फिफ्थ पोजिशन है, ठीक है, इसके प्रिया के, बहुत बढ़िया। प्रिया इज सिक्स फ्रॉम द राइट, ठीक है। प्रिया क्या है, सिक्स फ्रॉम द राइट व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजिशन, देन राम्या बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, वट विल द प्रिया पोजिशन फ्रॉम द राइट, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका बेस होता है रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर पे बेस पे सवाल होते हैं कि अगर रमेश की पोजीशन लेफ्ट से 13 है, सुरेश की पोजीशन राइट से 14 है, अगर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इनका जो आंसर आएगा, जो प्रिया की जो पोजीशन आएगी राइट से, वो आएगी 14। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन, ठीक है। इनमें से सब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ग्रुप। तो आपको क्या करना है, ऑड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसमें से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कि क्या फॉर्म इसमें से गलत ऑड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दैट इज डी 4, 9, 14, 12, 17, यू है 21, 19, 24, ठीक है। तो आप इन चारों के बीच रिलेशन चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी में जो रिलेशन है वो ख़राब है, ठीक है, बाकी सब सेम रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम स्ट्रेट लाइन, इसमें करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका ये फिगर बन जाए, ठीक है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करने हैं, आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, इसमें काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर्स, या फिर इसमें स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसने पूछा है कि आपको फाइंड करना है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेट लाइंस आएगी, ठीक है, दैट इज़ 13, आपकी 13 स्ट्रेट लाइंस है जो इसमें फॉर्म कर रही है, ठीक है। 13 स्ट्रेट लाइंस आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर।
फिगर, इस फिगर में कितनी हो रही है, 13 स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है इन अ कोड लैंग्वेज टेबल इज रिटन एज, टेबल को मैंने इससे लिखा है, जूस को मैंने लिखा है, ठीक है। सो टेबल है, टेबल को मैंने लिखा है जी जेड वाई ओ वी, ठीक है। जूस को मैंने लिखा है, ठीक है, इसी पैटर्न में, इसी पैटर्न में जूस को मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो जूस का जो पैटर्न आएगा दैट इज क्यू एफ आर एक्स वी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ इन आ एक्यूरेट क्लॉक शोइंग 9:30, एक एक्यूरेट क्लॉक है जो 9:30 शो कर रही है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। इसका मिरर इमेज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इजीली कैलकुलेटेड, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज आप जो जो फॉर्म करते हो, ठीक है, वो क्या बनेगा, 2:30, ठीक है। तो 9:30 का जो मिरर इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 2:30। नाउ अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, एक आदमी है जो 5 किलोमीटर साउथ चलता है, फिर वो राइट मुड़ जाता है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, वो लेफ्ट मूव करता है और 5 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लुक एट द सीरीज, दोबारा से सीरीज एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीरीज को कंप्लीट करो, ठीक है। तो इस कंप्लीट इसको आप दे सकते हो, ठीक है, कि 0.5 है, 1.5 है, 1 का अंतर है, फिर 4.5 है, ठीक है, 3 का अंतर है, फिर ऐसे हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा दैट इज 13.5 के बाद दैट इज 40.5, ठीक है। ये आप इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, तो आप पाओगे कि इसका जो आंसर आएगा दैट इज 40.5। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ गिवन फिगर, इसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बाय काउंटिंग फिगर, ठीक है, काउंटिंग फिगर से आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ रहे हैं दैट इज 10, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द आईपीयू लीड पेपर डिस्कशन, ठीक है। हमारे जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं और ऑफलाइन भी चल रहे हैं, तो अगर कोई भी बच्चा विद्यार्थी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो एक बार जरूर से एक बार सेंटर पे विजिट करें। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लीट एग्जामिनेशन की, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मटेरियल होना चाहिए, मैं कैसे प्रिपेयर और अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज हैं, आप बेस्ड अपॉन दैट योर अवेलेबिलिटी आप ज्वाइन कर सकते हो सेशन और इस सेशन को लाइक कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंटायर पेपर डिस्कशन ऑफ आईपीयू लीट, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपके कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं।